हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस में प्रॉब्लम्स ऑन मेंसुरेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने आपको अपनी वीडियोस में बता रखा है कि अगर आपको इनके हाई लेवल क्वेश्चंस चाहिए तो आप शिक्षक जंक्शन पर ही 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन चैप्टर के जो वर्ड प्रॉब्लम्स का सेक्शन है उसे विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी विड्थ जो है वो 2/3 है लेंथ की, और उस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज द गार्डन, और अगर हम इसकी लेंथ को एक्स अज्यूम कर लेते हैं, ये वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स दोनों से सॉल्व हो सकता है। इट इज अप टू यू कि आप कौन से मैथड में ज़्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं, तो आप कोई सा भी मैथड यूज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हमने लेट कर लिया कि लेंथ क्या है गार्डन की, दैट इज एक्स, देन जो विड्थ हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एक्स। ये हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज पेरीमीटर गिवन है हमें उस गार्डन का 40, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो होगा दैट इज इक्वल टू 2l+b, और उसकी वैल्यू 40 गिवन है आपको। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, इट कम्स आउट टू बी 40। टेकिंग द LCM, दैट इज जो लेंथ हो गई आपके गार्डन की दैट इज 12 सेंटीमीटर, तो आप लिख दोगे लेंथ जो हो गई वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और बात करें अगर विड्थ की तो वो हमारी 2/3 ऑफ लेंथ है दैट इज 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो ये इजी क्वेश्चन था वैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ट्राइंगल ऑफ एनी ऑफ द साइड्स, ABC ले लिया हमने, इसकी साइड्स हमें पता नहीं है, तो हमने सपोज स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी कंसिडर कर ली है इनकी साइड्स को। उसके बाद हमें गिवन है इफ द रेशियो ऑफ द पैरामीटर, इफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर। अब हर जो ट्राइंगल हमारा बनना है उसकी हमने साइड PQR ले रहे हैं इसको, और इसमें हर साइड को हमने 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम रेशियो गिवन है हमें, न्यू ट्राइंगल इज टू गिवन ट्राइंगल इज 5/4, दैट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 5/4। ये क्वेश्चन में गिवन है हमको, और हमें पेरीमीटर बताना है ऑफ द गिवन ट्राइंगल, दैट इज वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि मैंने नोट करते करते क्वेश्चन समझाया है। एक ट्राइंगल हमें गिवन है जिसकी साइड्स हमें गिवन थी, उसके बाद उस ट्राइंगल की साइड्स को 10-10 बढ़ाकर एक न्यू ट्राइंगल फॉर्म हुआ हमारा, और गिवन है कि जो न्यू ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उसका पेरीमीटर डिवाइडेड बाय द ओल्ड ट्राइंगल या जो पहले वाला था उसका पेरीमीटर रेशियो 5:4 है, और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो देखो कैसे करेंगे इसको। पेरीमीटर तो आप लोग जानते हो ट्राइंगल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो देखो पेरीमीटर ऑफ पहले ट्राइंगल ABC निकाल लेते हैं, तो दैट कम आउट टू बी A+B+C। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR वो हो जाएगा हमारा A+10+B+10+C+10, दैट इज इक्वल टू A+B+C+30। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें गिवन है दोनों का रेशियो, इज इक्वल टू 5:4। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में A+B+C दोनों टर्म्स जो हैं, ये टर्म जो है ये न्यूमरेटर में भी है
और डिनोमिनेटर में भी है। हालांकि मैंने पहले जब न्यूमरेटर बोला है तो डिनोमिनेटर सर्कल करा है, तो उसको समझ लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, सपोज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। तो जब आप ये ले लोगे तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 30 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। अब क्या करोगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 5x और x इज इक्वल टू 120। और x क्या है हमारा, x इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC, क्योंकि x की वैल्यू हमारी a प्लस बी प्लस सी है, दैट इज 120 सेंटीमीटर। और लिख सकते हो आप पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो है ना इजी क्वेश्चन, बस सिर्फ समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक बार अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा देन यू आर एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। नाउ टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है आ रेक्टेंगल इन विच द लेंथ इज 5 मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ हमें गिवन है 5 मोर है देन इट्स ब्रेथ। और हमें दूसरी कंडीशन गिवन है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 टाइम द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। यहाँ मैंने लिखे नहीं है, ए बी सी डी लिख देती हूँ, चलो ठीक है। और यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो कैसे करना है, इसमें भी अगर हम इसको x ले लेते हैं देन हमारी जो लेट कर लो पहले, लेट द ब्रेथ बी x, तो जो लेंथ हो जाएगी वो होगी x प्लस 5, क्योंकि यहां हमें कंडीशन गिवन है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 5 ज्यादा है। अब बात करिए यहां पर उन्होंने पेरीमीटर की, और पेरीमीटर इन दोनों डायमेंशन से क्या आएगा, तो देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी। उसको फाइंड कर लोगे आप तो ये आ जाएगा x प्लस 5, दैट इज 2 इंटू 2x प्लस 5 4x प्लस 10। ये हो गया पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू दी लेंथ एंड ब्रेथ। बट इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू 6x, क्योंकि हमने ब्रेथ को x सपोज करा है। तो अब देखो पेरीमीटर की ही हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो ऑन इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशंस क्या मिलने वाला है, सिक्स एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 10। और अब ये आप LHS में ले आओगे, देन यू विल गेट x इज इक्वल टू 5। तो जो हमारी ब्रेथ आ गई ऑफ द गिवन रेक्टेंगल दैट इज 5 सेंटीमीटर, और ये जो हमारी हो जाएगी दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वैसे इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था कि ये जो पेरीमीटर है दैट इज इन सेंटीमीटर्स और मीटर्स, तो इट इज अप टू यू, तो आप कुछ भी ले सकते हो। वैसे दिव गिवन होगा क्वेश्चन में कि डायमेंशंस किस में गिवन है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब वो क्वेश्चन मैं पूरा लिखूंगी बोर्ड पर, क्योंकि उसकी लैंग्वेज को समझना भी जरूरी है। और हाँ एक और बात, मैं वैसे वो क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स में करने वाली हूँ सॉल्व, लेकिन अगर आप उसका सोल्यूशन 1 वेरिएबल में चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, तभी मैं करके दिखाऊंगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। क्योंकि उधर से रिस्पॉन्स लिख के नहीं भेजते हो आप लोग, तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि आप कौन सा मैथड यूज़ कर रहे हो फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। तो हमें गिवेन है क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर, ये हमें गिवेन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट गिवन है कि अगर हम लेंथ को डिक्रीज करते हैं बाय 10% और जो ब्रेथ है उसे इंक्रीज कर रहे हैं बाय 20%,
ठीक है, तो भी जो हमारा पेरीमीटर है दैट इज सेम। ठीक है, आपको बताना है क्या लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन समझ में आया? एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 240 सेंटीमीटर गिवन है, आप बोल रहे हैं लेंथ को डिक्रीज कर दो 10% और ब्रेथ को इंक्रीज कर दो 20%, तब भी आपका पेरीमीटर सेम है। इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द डाइमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा होपफुली। तो आप देखो हम क्या करने वाले हैं, हम लेट कर लेंगे लेंथ जो है बी एल और जो ब्रेथ है बी वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है 2L प्लस बी इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर, दैट इज L प्लस बी हमारी आ गई 120। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट केस है उसमें लेंथ डिक्रीज करी है 10% से, तो जो न्यू लेंथ होगी दैट इज एल माइनस 10% ऑफ एल। इसको सॉल्व करोगे परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा और यहां पर एल आ जाएगा, देन यू विल गेट 90/100 एल। और जब इसको लोएस्ट टर्म्स में करोगे तो 9/10 आपकी एल जो हो गई वो न्यू लेंथ हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेथ की। ब्रेथ इंक्रीज हुई है 20% से, दैट इज बी प्लस 20/100 बी। और जब आप इसे ऐड करोगे देन यू विल गेट 120/100 बी। और इसको हम 10 के पास बेस में ही रहने देते हैं क्योंकि फिर बाद में एलसीएम लेना होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, वैसे और कट हो सकता है ये, लेकिन हम ऐसा इसलिए रख रहे हैं ताकि लेंथ और ब्रेथ के डिनोमिनेटर सेम हो, ताकि एलसीएम लेने में आपको दिक्कत ना हो। आप देखो लेंथ और ब्रेथ न्यू वन हमारे पास आ गए हैं, न्यू लेंथ हमारी आई है 9/10 एल और जो न्यू ब्रेथ है दैट इज 12/10 बी। आप बोल रहे हैं कि इनका भी जब आप पेरीमीटर निकाल रहे हो दैट इज ऑल्सो 240। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या गिवन है आपको कि 2 न्यू लेंथ प्लस न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू 240, ये आपको गिवन है। सॉल्व करोगे इसको आप तो ये आ जाएगा 9L प्लस 12B इज इक्वल टू 1200। ठीक है, उसके बाद देखो ये इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है पूरी, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई है, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहां पर एल प्लस बी है, यहां 3L प्लस 4B है, तो इसको सॉल्व करने के तरीके बता चुकी हूं मैं अपनी पिछली वीडियोस में, दो तरीके बताए मैंने, तो अगर जिन्होंने भी वो पिछली वीडियोस वॉच नहीं करी है तो गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, तब आपको यहां समझ में आ जाएगा। वैसे आई एम यूजिंग ओनली वन मैथड हेयर। देखो अब हमारी इक्वेशन जो थी, एक थी हमारी एल प्लस बी इज इक्वल टू 120 और दूसरी इक्वेशन हमारी आई है 3L प्लस 4B इज इक्वल टू 400। इस इक्वेशन को हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लें जो लेंथ या ब्रेथ का है। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो ये जो इक्वेशन है दिस विल बिकम 3L प्लस 3B इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस यू विल गेट B इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है, देयरफोर सेंटीमीटर ही आएगा। अब L प्लस बी 120 है, देयरफोर L प्लस 40 इज इक्वल टू 120, देयरफोर L जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 8th क्लास। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो। And for your problems, stay connected at Shikshak Junction. Till then, take care. Bye-bye.